हेलो गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। माय नेम इज वीरेंद्र सिंह और जैसा कि आपको यूजीसी नेट का रिजल्ट 31 दिसंबर को आने वाला था, लेकिन कुछ डिले हुआ है। मैं पहले ही बता चुका था आप लोगों को, अलग अलग रिजल्ट जो होगा वो डिले होगा, डेफिनेटली डिले होगा, क्योंकि आसाम और मेघालय का पेपर अलग हुआ था और जिसकी वजह से ये डिले हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो है एनटीए ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपको देखना है उसमें क्या है कि उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ वॉट कि आपको कल से लेके तीन तारीख तक आप अपने क्वेश्चन और आंसर्स को देख सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। और 4 तारीख तक आपका फाइनल पेमेंट हो जाना चाहिए और रोज जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो 14 जनवरी एक्सपेक्टेड है। रिजल्ट या स्कोर कार्ड जो आएगा वो 14 जनवरी तक आएगा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि एनटीए ने नोटिफिकेशन क्या निकाला एग्जैक्टली। एनटीए ने वो नोटिफिकेशन जो निकाला है वो नोटिफिकेशन एग्जैक्टली क्या निकाला है, तो वो नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं कि आपको किसके थ्रू कैसे आपको चलना होगा। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनटीए ने ये नोटिफिकेशन निकाला है जहां पे आप 15 दिसंबर को ये एग्जाम अपलोड हुआ, 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था मोस्ट ऑफ द सिटीज में, और सीएए और एनआरसी के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी वजह से 27 दिसंबर था, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और जिसकी वजह से एनटीए ने पोस्टपोन किया था आसाम और मेघालय का टेस्ट, और उसके बाद दोनों टेस्ट होने की वजह से अब एनटीए ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि आप लॉग इन कर डिस्प्ले कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को और देख सकते हैं कि आपने क्या रिस्पॉन्स पुट किया है और क्या सही आंसर है, और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या देना है कि जो डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर और चैलेंज ऑफ द प्रोविजनल की, जो प्रोविजनल की मिलेगा वो आपको 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक मिलेगा, और 3 जनवरी तक 11:50 तक ही आप कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो 11:50 तक कर सकते हो। नाउ अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ, दैट इज व्हाट सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ कि जो आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो उसकी एक फीस है, वो फीस कितनी है, वो 1000 है। अभी हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो क्या करना है आपको, वो 1000 पे है। और यहाँ पे आपका क्या है कि 4 तारीख तक 11:50 यानी रात के 11:50 तक पेमेंट हो जाना चाहिए, 4 से लेके 4 के बीच में पेमेंट हो जाना चाहिए अगर आप किसी आंसर को चैलेंज करना चाह रहे हो। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट लगता स्मार्ट लर्निंग एकेडमी की हेल्प भी ले सकते हो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कि हाँ इसमें यही आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, जैसे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं वहां पे बिल्कुल हेल्प करूंगा कि कोई भी आंसर जो क्वेश्चन होगा वो क्या होना चाहिए, वो आंसर की भी मैं लेके आऊंगा। जो जैसा कि मैंने बताया आपको क्या है, CSIR नेट NTA की जो साइट है यहाँ पे आप जुड़ेंगे, 1000 रुपीज फीस है। और स्कोर कार्ड आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लास्ट में बोल्ड किया गया है, स्कोर कार्ड जो है वो रिलीज होगा मोस्ट लाइकली, ठीक है, वो भी लाइकली है, नॉट श्योर, वो भी आपका चेंज हो सकता है। दैट इज स्कोर कार्ड इज लाइकली टू बी डिस्प्लेड बाय द, वो उसे पहले भी हो सकता है, अगर उनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो पहले भी कर देंगे, लेकिन बाद में भी हो सकता है, नॉट अ फिक्स डेट। सो ये सारी चीजें थी। अगर चैलेंज करना है तो आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, प्रोसीजर आप देख सकते हो, पहला स्टेप है आपको वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद चैलेंज या रिगार्डिंग आंसर की पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या मिलेगा, चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, फिर आपको क्या करना है, लॉग इन करना है अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से, फिर चैलेंज करना है या रिगार्डिंग आंसर की चैलेंज करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन आईडी या सिक्वेंशियल ऑर्डर आप देखोगे, आईडी के नेक्स्ट ही क्वेश्चन अंडर कॉलम आपका करेक्ट ऑप्शन स्टैंड करेगा और आंसर की के अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना कि सही है गलत है क्या किस तरीके से है। एंड आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन स्क्रॉल डाउन टू सेव योर क्लेम, जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पे आएगा सेव योर क्लेम, तो कुछ सेव कर सकते हैं वहां से, और उसके बाद आएगा कि आपकी आईडी डिस्प्ले होगी कि यस योर आईडी हैव चैलेंज, ऑप्शन आईडी यू हैव चैलेंज, वो ऑप्शन आईडी आपको मिलेगा। 11th पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आप जब यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यूज करना है, किसी बुक का स्नैपशॉट, किसी पर्टिकुलर फाइल, कोई एक्सप्लेनेशन कि आंसर सही क्यों होगा, तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ क्वेश्चन के आंसर चैलेंज करने में, एक बार आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद सेव करिए अपने क्लेम को फाइनली, और स्क्रीन डिस्प्ले जो आपका वो बता देगा कि आपने चैलेंज किया है, उसके बाद जितने क्वेश्चन चैलेंज किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग फी पे करना होगा आपको, 1000 रुपी पे करना होगा हर एक क्वेश्चन के लिए,
एक क्वेश्चन पे अगर चैलेंज करते हैं तो उसके लिए 1,000, दो करेंगे तो 2,000, तीन करेंगे तो 3,000, इस तरीके से आपको चैलेंजेस करने रहते हैं। आप ये जो है, अगर चैलेंजेस जो होगा आपके अकॉर्डिंग वैल्यू जो होगी चेंज होगी कि किस क्वेश्चन को आपको करना है किसको नहीं करना। और ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इन केस अगर आपका चैलेंज जो है करेक्ट पाया तो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा पैसा जो है उसी सेम अकाउंट में लौटा दिया जाएगा, ठीक है। सो ये रहा प्रोसीजर कि कैसे आप चैलेंज की को कर सकते हैं, कैसे किसी की को चैलेंज कर सकते हैं जो कि CSIR कल से अपलोड करने वाला है। सो इस प्रोसीजर के थ्रू जा सकते हैं। और मैं उन सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे मेल या मेरे थ्रू जुड़ सकते हैं। और ये एक जनरल क्रैश कोर्स का समरी है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं बायोटेक के क्रैश कोर्स के लिए तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे, और जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है नॉमिनल कॉस्ट के साथ, जहाँ पे टॉप 4 एजुकेटर्स मैं, ज्योति कुमारी, अजय कुमार नामदेव, रजत बंसल साथ में पढ़ाएंगे। पूरे के पूरे गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट एक्सेल को कंप्लीट किया जाएगा 30 डे पावर पैक क्रैश कोर्स में। और जब भी आप सब्सक्राइब करें SLA फर्स्ट कोड यूज करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द आंसर की टूमोरो। थैंक यू सो मच।